नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नारायण मुंशी ब्लॉग पर। दोस्तों आज का वीडियो अब हम बनाने जा रहे हैं उस दुर्गोत्सव की तैयारी जो अभी तक चारों तरफ में शुरू हो चुका है, लेकिन आज हम जाएंगे जो मूर्तिकार है उनके पास और देखेंगे कि हमारे शहर और आसपास के शहरों में कहां पर कौन से मूर्तिकार किस तरह से प्रतिमा बना रहे हैं, उनकी तैयारियां कैसी है और इस बार किस तरह के प्रतिमाएं बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉगिंग। अब हम आ पहुंचे हैं हंसारा के शिल्पी निकेतन में। आप देखिए प्रतिमाओं के काम अभी भी चल रहे हैं क्योंकि अभी भी विशाल सा मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ ये है सरस्वती कार्तिकेय और इस तरफ है लक्ष्मी जी और गणेश जी। बड़े बड़े प्रतिमा हैं जिनकी तैयारियां अभी भी चल रही है। ये छोटी सी एक प्रतिमा जो एक सिंगल फ्रेम में है। मागो तुम्हें आशा रालो सकले जीवने जोरे पड़े एत खुशी तुम्हारी जय मा दुर्गा। ये प्रतिमा काफी बड़ी है जो तीन अलग अलग पार्ट में इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए काफी सारे प्रतिमाएं, यह तो बहुत ही बड़ी है। दिन आश दिन जाए तुम्हारी आशाएं तुम्हारी अपेक्षाएं। इस तरह के जो सिंगल फ्रेम के छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं ये पिछले दो साल से काफी इसकी डिमांड है। ये भी देखिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। ये प्रतिमा बहुत सुंदर बन रहा है, कार्तिकेय के है ये प्रतिमा। ये सेट जो भी होगा ये काफी सुंदर होगा। ये ऑर्नामेंटल्स देखिए सभी मिट्टी के बने हुए हैं। इसकी डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरत। दिन जाए तुम्हारी तुम्हारी अपेक्षाएं सुखे में दौड़ाए मागो तुम्हें आशा रालो सकलेर जीवने जोरे पड़े एत खुशी तुम्हारी। शिल्पी निकेतन के जो शिल्पीकार है रूपम पाल के साथ अब मैं कुछ बात करता हूँ। रूपम, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे प्रतिमाएं आपने बनाकर रखे, मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनाया आपने। इस साल कितने प्रतिमा बनाए आपने? इस साल टोटल मेरे पास 42 प्रतिमा है जिसमें बड़े छोटे दोनों मिले। तो इस बार छोटी प्रतिमा की डिमांड ज्यादा है या बड़ी प्रतिमा की? ज्यादातर छोटी है। छोटी प्रतिमा, छोटी प्रतिमा अभी फिलहाल तो जो मतलब 11 साल का जो बड़ा प्रतिमा था वो सब भी मेरा निकल गया इस बार निकल गया। अभी आपके पास जो इस साल की जो प्रतिमाएं हैं सबसे लोएस्ट क्या रेट का? सबसे लोएस्ट मेरे पास 20,000 से शुरू। मैक्सिमम कहाँ तक है? मैक्सिमम इस साल मेरे पास 65। तो आप कितने साल से बना रहे हैं? ये तो मेरा ट्रेडिशनल मेरा पिताजी किया। पिताजी का नाम क्या था? रविचंद्र। अभी भी वो कर रहे हैं ना। आप मुझे ये बताएं कि जब प्रतिमा पंडाल में सच जाते हैं क्या उसके बाद भी आप जाते हैं मूर्ति को दर्शन करने के लिए पूजा के हिसाब से, तो वो आपका मन में क्या रहता है कि आप उसका फीलिंग्स को चला गया? तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप आपका बनाया हुआ प्रतिमा आप देखने गए हैं और आप ऐसे दर्शक उसको देख रहे हैं और आपके आसपास जो भक्त लोग आते हैं वो प्रतिमा को देखकर तारीफ कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि आप ही बनाए हैं? होता है ऐसा भी होता है। तो उस समय आपका फीलिंग्स कैसा रहता है? अच्छा लगता है। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अब हम आकर पहुंच गए हैं तिनसुकिया दुर्गाबारी के शिल्पश्री में जहाँ पर प्रतिमा की तैयारियाँ चल रही है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। प्रवेश द्वार पर ही देखिए कितना सुंदर सा छोटा सा एक प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत है। पेंट हो जाए तो काफी सुंदर लगेगा। और आप देखिए ये सारे शिल्पीकार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बार इस तरह के प्रतिमाएं बहुत ज्यादा है जो एक ही फ्रेम पर बने हुए हैं और इस तरफ भी तैयारियां जोरों शोर पर है क्योंकि आप वक्त बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर और एक प्रतिमा की तैयारी
गणेश जी की आंखों की तैयारियां हो रही यहाँ पर। इस प्रतिमा को देखिए, विशाल सा जो काट के पुतलियां होती है ना, उसी शेप में बना हुआ ये। उसके बगल में भी ये बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बन रही है। और यहाँ भी तैयारियां चल रहा है। इस तरह से प्रतिमा की पेंटिंग होती है स्प्रे के सहारे। बता, एक प्रतिमा पेंट करने में पूरा कितना टाइम लग जाता आपको? इनका कहना है कि 3 घंटे में भी एक प्रतिमा को पेंट कर सकते हैं। विनाश दिन जाए तुम्हारी ही आशाए, तुम्हारी अपेक्षाए सुखे बेदनाए, मांगो तुम्हें आशार आलो সকলের জীবনে জোরে পড়ে এত খুশি তোমার ইশারায়। জয় মা, জয় মা দুর্গা, দুর্গা দীনাশিনী, জয় মা, জয় মা দুর্গা। ये प्रतिमा आपको तिनसुकिया के किसी एक पंडाल में ही देखने को मिलेंगे। अब इन प्रतिमाओं को आप देख कर रखिए और सभी पंडाल में घूमकर आप देखिएगा कि कहां पर आपको ये प्रतिमा देखने को मिले। मैं नाम नहीं बता रहा हूं कहां का ये प्रतिमा है, आप खुद ही देख कर रखें। और फिर जब भी आप किसी पंडाल में जाएंगे, इस मूर्ति को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस मूर्ति की आप पेंटिंग होते हुए देखे थे मेरे ही चैनल पर, उसी प्रतिमा को आप पंडाल में भी देखेंगे। उसी क्रम की ही ये प्रतिमा है। यह है गणपति। दादा नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दादा आपके शुभ नाम क्या? तपन पाल। तपन पाल जी हैं। तो दादा ये बताइए कि इस बार आप कितने प्रतिमा बना रहे हैं? इस बार हम 25 से बना रहे हैं। 25 प्रतिमा जिनमें क्या पिछले साल के भी कुछ प्रतिमाएं हैं क्या? पिछले साल का ही ज़्यादा है। पिछले साल का ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़े प्रतिमा नहीं चले थे ना पिछले साल में। बड़ा प्रतिमा नहीं चला था, यह साल बहुत लॉस हुआ है। लॉस हुआ, तो इस बार कुछ भरपाई हो रहा है ना? नहीं, देखिए यह साल का भरपाई ये साल में भी नहीं होगा। तो कोरोना काल में जो पूजा हो रहा है, वही सबसे बड़ा चीज़ है। जी, आपने लोग अभी उत्साह दिया है, हम लोग भी मूर्ति बना रहे हैं। सुनिए, आप तो तिनसुकिया के पुराने में से एक है यार, आप अच्छे काम करते आ रहे हैं इतने सालों से। हमारे यहाँ 1932 से हमारा पिताजी काम करते हैं। 32 से? तो देखिए 1932 यानी आज़ादी के पहले से यहाँ पे प्रतिमा बनाई जा रही है। तो ज़रा सोचिए कितने सालों से प्रतिमा बना रहे हैं। और पिताजी आया 1929 में। अच्छा, तो पिताजी आकर ही शुरू किए थे क्या? नवीन चंद्र गुलाब चंद्र नाट्य मंदिर है ना, जी, वो प्रतिमा पहले एक ही मूर्ति बनाने आता था हमारा पिताजी कलकत्ता से। अच्छा, 1929 तो कलकत्ता से आते थे। सबसे देखा जाए, सबसे कम रेंज की कितने की प्रतिमा आप बनाए इस बार? सबसे प्रतिमा छोटा है। हाँ, वो बाहर वाला हमने देखा है, वो कितना का है? 11,000। 11,000। और मैक्सिमम कितना का? मैक्सिमम आपको 50,000 तक मिलेगा। उसका ऊपर में 72,000। अच्छा, नौ पुकड़ी भी आप बना? पुकड़ी हम लोग 16 साल से प्राइज मिल रहा है। अच्छा, हाँ, वो तो हर साल आपको प्राइज मिलता है। नौ पुकड़ी का एक पूजा है, जो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दुर्गा पूजा के जो बड़े बड़े पूजा तिनसुकिया के होंगे, वो सब में और एक वीडियो में आप देख सकेंगे। और वहाँ पर दादा जो कह रहे हैं, नौ पुकड़ी के जो प्रतिमा है, वो पिछले कितने साल से बना रहे? 16 साल से, 16 ईयर से वो प्राइज मिल रहा है उस प्रतिमा को। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे इसी चैनल में। तो दादा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, दुर्गा पूजा की बधाई। आज महालय है, महालय के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए दादा से विदा लेते हैं, फिर कहीं एक जगह जाते हैं और ढेर सारे प्रतिमा आपको दिखाते हैं। थैंक यू दादा। हमारा और भी एक शोरूम है वहाँ में। जी हाँ, पहला वाला वो शटर उठा के आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक, वहाँ पे कोई है क्या? ना, कोई नहीं है अभी। सब लाइट वगैरह थोड़ा चाहिए, सब लाइट है, मिला हुआ है। ओके, थैंक यू। शंकर, तू जाते हो तो लाइट जला दिया तो ठीक। तो चलिए दादा के और एक सेंटर है थोड़े से आगे, वहाँ पर भी जाते हैं। वहाँ की भी जो प्रतिमाएं हैं, वो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह है शिल्पश्री, तिनसुकिया के दुर्गावारी में है। यह है शिल्पश्री की ये प्रतिमा भी देखिए, ये बड़े आकार की प्रतिमा है जो बाहर रखा हुआ है। यह है माँ दुर्गा की प्रतिमा। इस प्रतिमा को भी आप देख कर रखिए और देखिएगा कौन सा पंडाल में आपको ये विशाल सा खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलता है।
अब चलिए अंदर जाते और देखते कितने सारी प्रतिमाएं बनी हुई यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, ये देखिए माँ दुर्गा की। अरे वाह, ये तो बड़ा सा प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत। तुम्हारी अपेक्षाएं सुखे पे दौड़ाए, मागो तुम्हें आशार आलो সকলের জীবনে জোরে পড়ে এত খুশি তোমার ইশারায়। জয় মা দুর্গা দুর্গ দিনাশিনী, জয় মা দুর্গা দুর্গ দিনাশিনী, জয় মা দুর্গা দুর্গ দিনাশিনী, জয় মা দুর্গা দুর্গ দিনাশিনী। अब हम अगर पहुंचे हैं उमेश पाल जी के यहाँ पर, तिनसुकिया बौर पत्थर में है ये। इनके यहाँ भी काफ़ी सारे प्रतिमा बने हुए हैं, तो चलिए उमेश पाल जी से एक बार बात कर लेते हैं। उमेश दा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हाँ, नमस्कार दादा, आप तो बहुत साल से प्रतिमा बना रहे हैं। हाँ जी, आपके पिताजी भी बनाते थे। पिताजी भी क्षेत्र मोहन पाल। अच्छा, इस बार आप बड़े मूर्ति छोटे मूर्ति दोनों ही बनाए? हाँ, छोटा मूर्ति ही ज्यादा बनाए। ज्यादा आपके यहाँ प्रतिमा के जो फेस है बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी है क्या? फिनिशिंग का फूल में होता है, होता है वो कारीगर क्या तुम चुके क्या ना बाहर से? कारीगर नहीं है, हम कारीगर बाहर से लिया था। प्राइस के हिसाब से हमारा यहाँ में जो प्राइस है कम जो नीचे से नीचे आपको 17-18 हज़ार, 17-18 thousand आपका कम से कम प्राइस। हाँ, कम से कम प्राइस। और एकदम ऊपर में देखे तो मैक्सिमम ऊपर में 45,000। धन्यवाद, बहुत बहुत और नमस्कार। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए। ये देखिए प्रतिमा, और साथ में कुछ बच्चे भी आए यहाँ पर। क्या करने आया सब यहाँ पे? मूर्ति देखने आया। हर दिन आता है ना क्या? आज ही आया। अच्छा, कैसा लगा मूर्ति देख के? क्या क्या करेगा पूजा में? पिएगा क्या? पिएगा अच्छा, कोल्ड ड्रिंक जूस पिएगा। अच्छा, बंदूक वगैरह आजकल खरीदता है तुम लोग ना? नहीं खरीदता बंदूक? पहले खरीदता था, अभी नहीं खरीदता है। ये देखिए प्रतिमाएं, ये जो छोटे आकार के प्रतिमाएं हैं वो है, अभी भी इनके फिनिशिंग काम बाकी, अभी भी पेंटिंग का ही काम चल रहा है। ये प्रतिमाएं मीडियम से थोड़े मीडियम साइज का ही है। तो प्रतिमा के मुंह देखिए, मुखमंडल बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरफ में है काफी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ये सारे प्रतिमा देखिए काफी बड़ी। हाँ, ये सारे 7-8 फुट साइज का प्रतिमा है। और यहाँ देखिए महिषासुर का आंखों का काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ दो बड़े बड़े प्रतिमाएं हैं, काफी बड़ी है दोनों प्रतिमाएं। तो मेरे ख्याल से 12 फुट होगा ये सबका साइज। दिन जाए तुम्हारी ही आशाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं सुखे पे दौड़ाए, मांगो तुम्हें आशा डालो। एक प्रतिमा देखिए, छोटी सी प्रतिमा, पूरा फिनिशिंग हो चुका और ये प्रतिमा आज ही जा रहा है। आज महालया है, चीज शायद मैंने किसी प्रतिमा में कभी नहीं देखा, ये काफी अच्छा चीज है। दोस्तों, अब हम आकर पहुंचे हैं तिनसुकिया के खोवेश्वर रोड के कामाख्या शिल्पालय में। प्रवेश करते देखिए ये खूबसूरत सा प्रतिमा, अब दंग रह जाएंगे। ये वाला जो माला आप देख रहे हैं माँ दुर्गा के गले में है, ये मिट्टी का बना हुआ है। इनके बाल से लेकर जितने भी ऑर्नामेंट्स है सब मिट्टी का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये प्रतिमा। सभी देखिए विशाल आकार के प्रतिमाएं, सब बहुत ही खूबसूरत है। ये चेहरा देखिए, एक प्रतिमा देखिए, बड़े ही नए अंदाज में है ये माँ सरस्वती और ये कार्तिकेय। इस प्रतिमा को आप अच्छी तरह से देख कर रखिए और शायद तिनसुकिया के ही किसी भी मंडप में आपको ये प्रतिमा दिख सकता है। अगर आप इस प्रतिमा को किसी पंडाल में देखे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पहली बार है देखिए लायन अपने साथ अपने बच्चा को भी लेकर आया है महिषासुर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये सांप जो महिषासुर को हैंडकप लगा कर रखे है, तो ये दो अनोखा चीजें इस प्रतिमा में। और ये सब देखिए प्रतिमा काफी बड़े आकार की है ये। बापीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, आप अच्छा काम कर रहे हैं, काफी खूबसूरत प्रतिमा आपने बनाई है। अच्छा, इस बार आपने कुल कितना प्रतिमा बनाया?
22 प्रतिमा। तो दादा इस वक्त किस रेंज की प्रतिमाएं हैं, मतलब अगर प्राइस के हिसाब से बोले कम से कम कितना का है? 15-20 हज़ार की प्रतिमा आपके यहाँ अवेलेबल है और मैक्सिमम 40-50। धन्यवाद दादा, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ये काम जारी रखें, शुभकामना करो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉगिंग आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, खास करके प्रतिमा कौन सी प्रतिमा आपने कौन सा पंडाल में देखे हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा के काफ़ी सारे वीडियोज और आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारी आशाएं तुम्हारी।